हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक मिनट, मैं पानी बंद कर लेते पहले। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मम्मी से, क्या आपको पता है कि मम्मी तो नहीं है घर पे, तो मैं फटाफट से क्या करूँगी, मैंने चपातियाँ बनानी है, तो चलो मैं फटाफट से चपातियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है यार, पता नहीं क्यों नहीं होती मेरी नींद। मेरे पास लगता है थोड़ी देर और सुना है, और सुना है, और सुना। चलो मैं चपातियाँ बना लेती हूँ। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरा लंच बॉक्स जो मैंने खुद पैक किया है आज। और यहीं से ही मेरी वही वाली दिनचर्या शुरू होती है जैसी पहले हुआ करती थी। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज की ओर और क्योंकि लाइफ ऐसी चलती रहती है, कभी मतलब खुशी भी है, कभी फिर नॉर्मल लाइफ भी आपको बितानी पड़ती है। पर अब आप देखो, यही कॉलेज जाना है मुझे, कॉलेज चलते हैं। और रियाज करते हुए मेरा गला ख़राब हो गया। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर दी है और अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत अच्छी आदत है। और ऊपर से अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हो तो मेरे को ऐसे लगता है खाने को भी पचाते हैं, आपको आपके पेट को भी बिल्कुल क्लीन रखती है। और ठंड में तो ऐसे भी गर्म पानी पीना चाहिए। तो चलो चलते हैं कॉलेज की ओर। हेलो दोस्तों, सभी नाटी के दोस्तों। तो अभी हम लेट हो गए आज कॉलेज के लिए। अभी जा रहे हैं हम वैसे 8:30 बजे वाली बस में जाते हैं, फिर अभी 9 बज चुके हैं। होप सो कि आज अभी सर ना आए हो, वरना हमारी बैंड बज जाएगी क्लास ले। तो अभी हम बालूगंज से पैदल जा रहे हैं बालूगंज के लिए। तो चलो चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। आजकल बस में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, 9 बजे वाली बस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम 103 पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं दीदी का। अब हम खाना खा रहे हैं और हमने ब्रेकफास्ट मतलब कि क्लास तो हो गई हमारी कंप्लीट। और यहाँ छोले लाया, छोले लाया आदित्य बोल रहा है, आदित्य छोले लाया है। और दीदी आप क्या लाए हो? मैं लाई हूँ कड़ी 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 भाई। आप चलो खाना खा लेते, बहुत भूख लगी है। हेलो, अभी हम हॉट डॉग खा रहे हैं यहाँ पर। और हम यहाँ आए थे मैम से मिलने के लिए, मांडवी मैम से मिलने के लिए, पर वो गए थे ना, सर वगैरह चले गए सब के सब, और हमें जाना है सुन तो ले चक्कर। तो हम यहाँ से जाएंगे पद यात्रा करते हुए। बिल्कुल। तो अभी हमारा हॉट डॉग बन रहा है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हॉट डॉग बनाया जाता है। यहाँ पर दिल्ली नंबर की गाड़ी मतलब उन्होंने ना पीछे बजा दी थी और हम हॉट डॉग खा रहे थे, हमारे हॉट डॉग का मज़ा भी किरकिरा कर दिया उन्होंने इतनी ज़ोर से। ऐसे होते हैं ना, मतलब कैसी ड्राइविंग करते हैं, और कौन तो इनको लाइसेंस दे देता है सच में ही। पर आप ये छोड़ो, हम तो व्लॉग बना रहे थे और एकदम से गाड़ी ठुकने की आवाज़ आई। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हॉट डॉग बन रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है मुझे तो। और हमारी उनके साथ बहस भी हो गई थी क्योंकि मैंने कैमरा तो ऑफ रखा था, पर उनको ऐसा लगा कि मैंने ऑन किया है और मैंने उनकी वीडियो बनाई है। और वो बोल रहे थे कि आप मैम पीछे से बना लो वीडियो। मैं कहा सर, जब मैं आपकी वीडियो बना ही नहीं रही हूँ तो आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? और हमने एकदम से मतलब चौंक गए, मैंने पहली बार देखा ऐसा गाड़ी को ऐसे मतलब एकदम से ठाक करके बजते हुए। तो आप हॉट डॉग देखो और हॉट डॉग इन्जॉय करो, ये मतलब एडवांस स्टडी का बेस्ट हॉट डॉग है। यहीं पर ही स्ट्रीट फूड मिलता है, जहाँ जहाँ स्ट्रीट फूड, एक तो शिमला में स्ट्रीट फूड की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये हॉट डॉग है 40 रुपीज़ का, कॉस्टली है काफ़ी, आई नो दैट। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी था। एक से तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, दो खाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार था। और ऐसा मन कर रहा था कि और खाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को हॉट डॉग अच्छे लगते हैं। अब देखिए ये सॉस डाले टिक्की और चने जो होते हैं छोले, उनका बन रहा है ये। और अब इनको सेक लगाया जाएगा यहाँ पर। यार ये भी कमाने के लिए बैठे होते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, इतनी ठंड में भी बैठे होते हैं, क्योंकि आजकल शिमला में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। दिन में मतलब बस धूप रहती है, पर शाम को और सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और हॉट डॉग हमारा बनके तैयार हो गया, बस इसको सेक लगाना बाकी है। तो अब हमारा हॉट डॉग बनके तैयार हो चुका है और ये खाने के लिए भी तैयार हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं और आदित्य चीयर्स कर रहे हैं। अब आप हमारा रिएक्शन भी देख लीजिए। हमने हॉट डॉग तो खा लिया, पर वहाँ पर एक लड़के का, एक अंकल थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था
पर हम अपना व्लॉग शूट कर रहे थे और उनको लगा उनकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ। उनकी वीडियो बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं था। और वो पता दिल्ली का नंबर था यार, सच में दिल्ली वाले लोग ऐसे होते हैं। और उन्होंने इतनी रूडली बात की कि मैम आओ पीछे से बना लो, आप तो बहुत खुश हो रहे। मैं क्या सर मैंने करवाया आपका एक्सीडेंट गाड़ी का, और उन्होंने खुद ही मोड़ रहे थे और पोल पे जी मार दी गाड़ी अपनी बैक साइड। तो आदित्य भी शूट कर रहा है अपने व्लॉग के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। बाय आदित्य। क्या हुआ? पूरा क्या हुआ? मैं तो चलो ठीक है, अभी हम बालूगंज जा रहे हैं, देखते हैं अब क्या खाते हैं आगे। खाएगा कुछ, पेट तो भरा नहीं है। हाँ, और खाने का मन करेगा अभी बचाएगा। तो चलो अब चलते हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी टाइम बाद आई मैं इस रास्ते से और मुझे ये एरिया बहुत ही पीसफुल और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे शांति एरिया और शांत जगह बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो अब मैं घर तो पहुँच चुकी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज किए और वीडियो एडिट करी, थंबनेल बनाया, उसके बाद वीडियो भी पोस्ट कर दिया। मैं खाना बना रही हूँ, चलो मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। आज भी सोच रही हूँ कि आज मैं दाल बनाती हूँ, येलो वाली पीली वाली पतली पतली सी जो होती है। और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही थकान वाला दिन था यार, सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरा थोड़ा टेंशन में भी हूँ। कल तक पता लगेगा आपको कि मैं क्यों टेंशन में। अगर वो टेंशन ज़्यादा बढ़ गई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ख़त्म होगी तब मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, चलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम है करने के लिए। देखो मैं कैसे करके फटाफट से खाना बनाती हूँ। ये देखिए कौन आया है आज, नया मेहमान आया है हमारे घर। ये देखिए ये क्यूट सी बिल्लू आई है विजय को छोड़ने के लिए। ओ कितनी प्यारी है ये। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसकी इसको बिल्लू पसंद है। हेलो गुज्जू, भूख लगी थी इसको विजय ना। तेरे को छोड़ने है कहाँ से ये तेरे? अरे छोड़ने ही। हाँ? गाड़ी ने ऊपर सड़क में। हाँ? वहाँ थी ये, वहाँ मतलब पता क्या कर रही है। हाँ ना। हाँ? इतना प्यारा बिल्लू आया था घर पे आज, और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तड़का लगा रही हूँ यहाँ पर दाल में और अदरक कूट रही हूँ अभी तो मैं उसको, क्योंकि प्याज तो ख़त्म हो गया था और मम्मा भी नहीं है यहाँ पर, मम्मा भी गाँव गए हैं तो मम्मी को याद रहती कि क्या क्या चीज़ें लानी है, मुझे तो याद ही नहीं रहती है, इसलिए बिना प्याज की तड़का लगा रही हूँ। अदरक का तड़का दिया मैंने और मिर्च का और हरा धनिया का। तो मैं फटाफट से दाल बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मूंगी की दाल बना रही हूँ। मूंगी थी शायद, येल्लो येल्लो जैसी थी, पतली पतली शायद मूंगी थी, पता नहीं कौन सी दाल थी, मेरे को ना दालों का नाम याद नहीं है। सिंपल सा तड़का दिया आज मैंने, कोई इंटरेस्टिंग नहीं था बताने लायक, बहुत ही सादा सा खाना बनाया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर सेवियाँ, बिकॉज मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कुछ मीठा खाने के लिए। और विजय अब पहुँचा है ऑफिस से और मुझे आज एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम मैं कर रही हूँ यूथ फेस्टिवल की तैयारी। वो आपको कल के व्लॉग में आने में देखेगा, मुझे भी नहीं पता कि कैसे तैयारी होगी, मतलब एक दिन पहले ही हमें पता लगा है। तो चलो कल बताऊँगी मैं आपको उसके पीछे की स्टोरी जब मैं कल का व्लॉग शुरू करूँगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेवियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार सेवियाँ, और मन कर रहा है मेरा कुछ मीठा खाने का, और सर ने बोला थोड़ा एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए मुझे, तो मैं बस उसमें दूध वाली डालूंगी, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी उसमें, अच्छे से बनाऊंगी सेवियाँ। ड्राई फ्रूट्स तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ख़त्म ही हो गए हैं, तो चलो कोई नहीं, दूध है मेरे पास और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और इस तरफ बन रही है सेवियाँ। चलो मैं सेवियाँ बना लेती हूँ और फिर देखना आप ज़रा कैसी बनी है मेरी सेवियाँ, ठीक है? मुझे बताना आप, बर्गर हॉट डॉग सब कुछ फेल है सेवियाँ के आगे, बस तो फेल ही है, मीठा और खट्टे का क्या ही मेल। पर अभी मैं घी डाला है, मैंने थोड़ा सा इसको होने देंगे और उसके बाद मैं सेवियाँ बनाऊंगी। अब देखो आप कैसे बनाती हूँ सेवियाँ। मेरा बहुत मन कर रहा था सेवियाँ खाने का, मैंने एक चम्मच 1.5 स्पून है घी का लिया हुआ और उसको पकने दिया मैंने, उसके बाद मैंने सेवियाँ डाली इसमें। और मतलब सेवियाँ इतनी अच्छी लगती ना मुझे, और मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ सच में। ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, नहीं तो मुझे ड्राई फ्रूट्स भी डालने थे मैंने सेवियों में। इसको अब मैं ब्राउन होने दूंगी और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो ये जल्दी जल्दी पकाऊंगी इसको मैं। आपको इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है बीच बीच में, और पूरा जब ब्राउन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, और अब मैं डालूंगी इसमें पानी, थोड़ा सा पानी, हाफ गिलास,
और उसके बाद मैं दूध की पूरी थाली डाल दी मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसा खोए वाला पसंद है। अब इसको होने देंगे हम, और आप उसके बाद जब आप ये पूरा का पूरा पैकेट डाल दोगे तो उसके बाद आपको चीनी टेस्ट करनी है। मीठा भी आपको अभी भी डाल अभी ही डाल देना है। जो कम खाते हैं वो कम मीठा डालें, और जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डालें। और थोड़ी देर इसको पकने के बाद, 15-20 मिनट पकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं बताती हूँ आपको। और चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। और मेरा रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी बना हुआ था, सच में बहुत मज़ेदार बना था, इतना टेस्टी बना था ना मेरा, मतलब मैं 2 कौलियाँ खा गई, थोड़ा सा बचाया मैंने, बाकी सारा का सारा खा गई मैं। मेरी फेवरेट ऐसी भी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी अभी मैंने अपना फेस क्लीन किया और हमने खाना तो खा लिया है, हमारा डिनर तो हो गया है। और आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली लग रहा है, बिकॉज मैंने मॉइस्चराइजर लगाया और रेटिनो ए लगाई है उसके ऊपर। विजेंद्र गेम खेल रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा मेरे ब्लॉग को। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय।